है सामने I like it.
थोड़ा बाहर आ जाओ, लाइट में आ जाओ, थोड़ा लाइट में आओ। तुम लोग कुछ बोलेंगे नहीं? चलो भाई, सर सामने सर, राइट में सर, इधर सर सामने आ। विद जॉय, यानी जीवन आपका जॉय से और स्माइल से शुरू होना चाहिए, ये इन्होंने थीम लेकर ये स्कूल बनाया है अपने बेटे के लिए, मिंटू के लिए, और जिसमें जॉय भी हो, केयर भी हो, प्री स्कूल भी हो। जहाँ से बच्चा जन्म लेता है वो हर क्रिएटिव होता है, उन क्रिएटिव बच्चों का ध्यान यहाँ रखा जाए। यहाँ पर पूरा ऐसे डिज़ाइन किया है कि उस बच्चे की जो आर्टिस्टिक माइंड है, क्रिएटिव माइंड है, वो डेवलप। और मुझे बहुत खुशी है कि ये स्कूल जो है इस तरह के एक यंग बच्चों ने तैयार किया है इसे, और मैं सब नौजवानों से कहूँगा, सब यंगस्टर से कहूँगा कि इस तरह के स्कूल आप भी खोलिए अपने अपने शहरों में, अपने अपने स्कूल में, अपनी अपनी जगह में, क्योंकि यंगस्टर जो हैं वो छोटे बच्चों का के लिए आगे निर्माता हैं। दे आर दी गुरुज फॉर द न्यूली बॉर्न चिल्ड्रन। ये सबसे बेस्ट फेस है, यहाँ से उनका जीवन शुरू होना है, और यहाँ पर सब कुछ है, पॉजिटिविटी है, जैसे एक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन अच्छा है जो मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। थैंक यू। बहुत ही अच्छी आइडिया है, क्योंकि देखिए जितने आप ये ऐसे सेंटर्स खोल देंगे उससे जो कपल्स है, जो दोनों कपल्स जिनके पास जॉब्स है, वो फिर ये सोच के जा सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं दे आर इन वेरी गुड हैंड्स, उनकी एजुकेशन भी हो रही है, उनकी देखभाल भी हो रही है,
तो ये जो आइडिया है बहुत अच्छी आइडिया है, बहुत अच्छी आइडिया। एक ही रूप में बहुत कुछ यहाँ पर दिया गया है, फ्री स्कूल भी दिया है, सेंटर केयर भी है और भी बहुत कुछ है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए एक ही रूप में इतना कुछ दे रहे हैं? देखिए ये तो बहुत, जैसा मैंने कहा ये तो बहुत बेहतरीन आइडिया है, बहुत बेहतरीन आइडिया है, इसलिए क्योंकि जैसे आपने कहा यहाँ पे सारा डे केयर हो सकता है, प्री स्कूल भी है, और जो कपल्स जैसे मैंने कहा कि जो काम करने जाते हैं उनको, उनके मन में शांति होगी कि वो काम पर अपना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर शाम को आके काम जब खत्म होगा, ऑफिस आवर्स खत्म होंगी, तो यहाँ पर फिर आके वो अपने बच्चों को ले जा सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये तो सबसे बेहतरीन आइडिया है। अब सिर्फ ये कहूँगा कि अगर मेरे टाइम में मैं जब छोटा था तब अगर ऐसी चीज़ें होती तो बहुत अच्छा होता, पर चलो ठीक है। Okay, स्कूल की जो है आपकी कोई ऐसी स्कूल की यादें जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए स्कूल में तो बहुत सारी यादें होती है, जहाँ पे आप हमारे टाइम में तो हमने कभी स्कूल को तो कभी बंक नहीं किया, सिर्फ मतलब जब स्कूल की क्रिकेट मैच होती थी तो उस वक्त ही हमें एक छुट्टी मिलती थी मैच खेलने के लिए। कभी कभी हमारे जो टीचर्स थे वो कहते थे कि जब हमारी टीम, जब हम बच्चे थे और हमारी स्कूल की टीम फाइनल पहुंची थी हैरिस शील्ड में, तो उन्होंने लंच टाइम में हमें वो छुट्टी दे दी कि लंच टाइम के बाद में आप एक घंटे बाद भी आ सकते हैं, क्योंकि आप जाके अब जो हमारी स्कूल है संजय स्कूल है उनको इनक्रेज करें, तो बस वही था। पर और दूसरी याद है कि जब आप प्रैक्टिस करते थे, कभी कभी आपको आपके टीचर्स आपको कहते थे कि आपने ठीक नहीं किया, आप घर जाके आपके पेरेंट्स से कैलेंडर में रिमार्क देते थे कि पढ़ाई ठीक नहीं होगी या जो भी, और उस पर फिर पेरेंट्स की सिग्नेचर लेना वो बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि पेरेंट्स बोलते थे क्या कर रहा है स्कूल में। तो पर मैं समझता हूँ कि ये तो हर बच्चे के साथ होता है, ऐसा कोई बच्चा है नहीं जिसको टीचर ने डांटा नहीं है। इंडिपेंडेंस डे इज कमिंग अप, तो इंडिपेंडेंस डे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है अभी भी इंडियंस को बहुत सारी चीज़ों से आज़ादी मिलना? अरे भाई इससे और जॉय से क्या मतलब है? इमरान खान जो नए पीएम है, 18 को वोट लेने वाले, तो आपको भी इन्वाइट किया गया, तो आप अटेंड करना जा रहे हैं? मैं यहाँ पे इसलिए आ गया हूँ, इसके लिए आ गया हूँ। आपकी तरफ से एक विश तो हो ही सकता है या फिर जी सिद्धांत जी आप बताइए। आप नहीं नहीं प्लीज आप, मैं आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे सुनील जी के हाथों से? देखिए मेरा एक्चुअली मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ और मेरा सौभाग्य है कि आई हैव बीन अराउंड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम इन माई लाइफ। आई डोंट थिंक ही नोज दिस बट साइलेंटली मैं बहुत सीखता हूँ इनसे, आई लुक अप टू हिम इन अ लॉट ऑफ वेज। इनका डिसिप्लिन का जो लेवल है आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू इट, चाहे वो फिटनेस का हो या इज़ वेरी वेल अवेयर अबाउट द वर्ल्ड, हर चीज़ की खबर रखते हैं, इनसे आप किसी भी चीज़ पर बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। सो फॉर मी इज बीन अ लाइक अ साइलेंट इंस्टीट्यूशन दैट आई लर्न फ्रॉम, तो इट्स क्वाइट आयरोनिक कि इनके हाथों से इसका यू नो स्कूल का उद्घाटन हुआ है आज, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट लाइक आई सेड कि ये हो पाया, ये तो इनकी बदौलत है दैट दिस हैपेंड, सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम टू डू दिस, एंड या यू नो वी जस्ट वॉन्ट टू हैव अ गुड यू नो एटमोसफियर हियर फॉर किड्स। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट आपके यू नो अर्ली ईयर्स में आप कैसे ग्रो होते हैं एंड व्हाट यू आर टॉट देन एंड हाउ यू आर टॉट, वेदर इट्स ऑल वेल यू नो जस्ट वेल राउंडेड अपब्रिंगिंग, एंड दैट इज़ आवर एंडेवर, दैट इज़ व्हाट वी विल ट्राई टू डू हियर, एंड होपफुली वील हैव मे बी द नेक्स्ट क्रिकेट कैप्टन कमिंग आउट ऑफ हियर और द नेक्स्ट गुड फिल्म मेकर कमिंग आउट ऑफ हियर और यू नो एन आर्टिस्ट और you know world leader and yeah that's what we want to do, but it's all about like growing up, it's early days we're starting and yeah fingers crossed everything should go well. आप मुझे बताइए, आप बताइए सर, आपका व्यक्तित्व
मैं मेरे देश से बड़ा खुश हूँ और मेरे देश के खिलाफ मेरी कोई कंप्लेन है नहीं, बिल्कुल कोई कंप्लेन नहीं. आई एम अ प्राउड इंडियन एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन दिस कंट्री. सो वन इंडिपेंडेंस विश फॉर ऑल ऑफ अस. सबको स्वतंत्र दिन की शुभकामनाएं. और जो हमारे प्रीडेसेसर्स थे जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतने सैक्रिफाइसेस किए इंडिपेंडेंस, ब्रिटिशों से इंडिपेंडेंस लेने के लिए, तो वो आप मत भूलिएगा. और हमेशा तिरंगा आप लहराए और उसी से मैं समझता हूँ कि भारत की प्रगति होगी. Thank you.